हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल दी वेस्ट। तो आज हम फ्लेंज बीम देखेंगे, फ्लेंज बीम क्या होता है एंड उसका एनालिसिस। फ्लेंज बीम पता करने से पहले हमें मोनोलिथिक पता होना चाहिए, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसको देखते हैं डायग्राम से। मान लीजिए ये हमारी कोई स्लैब है जिसकी थिकनेस हमने एज्यूम कर लिया है DF है। स्लैब हमें पता है बीम पर रेस्ट कर रही होंगी, तो यहाँ पर कोई कॉर्नर पर बीम होगा, विड पर भी बीम होंगे। तो मोनोलिथिक में क्या होता है, हमारी जो स्लैब और बीम्स की रेनफोर्समेंट होती है वो एक साथ की जाती है, देन उनकी कंक्रीटिंग फिर एक साथ की जाती है, बीम में भी और स्लैब में भी। मतलब मान लीजिए हमने पहले यहाँ पे सारे में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है, लेटरली एंड लॉन्गिट्यूडनली जैसे भी करनी है। उसके बाद रेनफोर्समेंट होने के बाद टाइल्स वगैरह करके हम उसमें कंक्रीटिंग कर रहे हैं। यहाँ से करते हुए स्टार्ट किया, बीम में किया, स्लैब में किया, यहाँ पे भी पूरे में किया, मतलब एक साथ सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। और हमारा जो अलग अलग तरीके से बनता है स्ट्रक्चर, उसमें क्या करते हैं हम, पहले हम बीम्स बना लेते हैं, पीछे कहीं कॉलम से जॉइंट हो रखे होंगे ये, आगे भी पीछे भी, ठीक है। और देन उसके ऊपर हम स्लैब कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमारा मोनोलिथिक नहीं होता, ये अलग अलग बनाते हैं हम। ये हमारा रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करता है, ये हमारा स्लैब की तरह। अब मोनोलिथिक को हम लेके चलेंगे, इसी से हमें पता लगेगा फ्लेंज्ड बीम क्या होता है। इसको ढंग से बनाते हैं। यहाँ पे बीम्स है हमारे, ठीक है। अब मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ पोर्शन बीम के जो हाफ इस साइड होता है और हाफ इस साइड, एंड सिमिलरली हेयर एंड एल सेक्शन में एक ही साइड होगा। यहाँ पर इसको शेड कर देती हूँ मैं। कहना क्या चाह रही हूँ मैं, जो कुछ पोर्शन होता है स्लैब का बीम के कुछ इस साइड वो है ना हमारा बीम के साथ एक कंपोजिट एक्शन करता है। मतलब बीम में हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो वो भी डिफ्लेक्शन होएगा उसके साथ, तो मतलब बिहेव उसके साथ करेगा, एक कंपोजिट बिहेवियर कर रहा है। तो हम इसी को क्या कहते हैं, फ्लेंज बोल देते हैं इस केस में। ओनली मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसी में होता है ऐसा क्योंकि हमारा एक साथ कंस्ट्रक्ट हुआ था। और इस विड्थ को हम बोल देते हैं BF एंड इसको हम वेब बोलते हैं, जो हमारा बीम वाला पोर्शन होता है, ठीक है। और इसकी विड्थ होती है हमारी BW, ठीक है। अब इसको अलग से निकाल लेते हैं, फिर इसका पूरा समझते हैं क्या कहना है। ये मान लीजिए ये ऊपर वाला, ये विड्थ वाला सेक्शन है, ये ऐसा कुछ हमें स्ट्रक्चर दिखता है टी टाइप से, ठीक है, और जिसमें हम यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब ये टी टाइप से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, टी बीम, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं फ्लेंज। सोम में आपने देखा होगा स्टील सेक्शंस बने होते हैं, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, तो उसमें हम इसको क्या बोलते थे, फ्लेंज बोलते थे। इसको वेब, सिमिलरली इसको फ्लेंज बोलते हैं हम यहाँ तक, और इसको वेब, ठीक है। एंड कॉर्नर में क्या केस बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, इसमें हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इस केस में इसे फ्लेंज बोलते हैं, इसे वेब बोलते हैं। अब ये किसकी तरह दिख रहा है, L की तरह दिखता है, तो इसको हम L बीम बोल देते हैं। तो ये हमारे दोनों हो गए, दो टाइप के फ्लेंज बीम। अब इनका एनालिसिस देखते हैं कैसे करते हैं, इसमें टर्म्स, चलो एनालिसिस में बताती हूँ मैं, इसको रब करती हूँ। एनालिसिस से पहले हम इसकी इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, जो DF मैंने अभी बताया, BF वो अभी बताया था। जो इसमें भी दो चीज़ होती है, एक मोनोलिथिक बीम के लिए, एक आइसोलेटेड बीम के लिए। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जो मैंने अभी स्लैब के साथ आपको बताया था एक साथ बनता है इस टाइप से, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रहा है अभी, मतलब पहले बीम है फिर बीम है फिर बीम है, ठीक है, तो इसको हम मोनोलिथिक बोल देते हैं। और आइसोमेट्रिक को क्या बोलते हैं, जब हमारा सिंगल होता है, ये मान लीजिए जैसे ये सिंगल बीम है,
ये हमारी इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ, ठीक है। तो इस केस में ये आइसोमेट्रिक है और ये मोनोलिथिक है, और एल के लिए कैसा बनेगा, इसमें ये बी एफ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पोर्शन ना हमारा और होता है, तो इस फुल विड्थ को हम क्या बोलते हैं, बी। अब ये बी इफेक्टिव है, ये टोटल बी है। अब क्या होता है, ये पूरा पूरी की पूरी इसकी फ्लेंज तो वो फोर्स ले नहीं रही होगी, कंप्रेसिव फोर्स, कुछ फ्लेंज छोड़ के ही तो ले रही होगी, तो उसको हम बी एफ बोल देते हैं, मतलब इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ। और जो हमारा आपको दिख भी रहा है, बी एफ इज़ ग्रेटर देन, बी एफ इज स्मॉलर देन बी होता है, ठीक है। एंड इस केस में क्या होगा, इधर भी कुछ आगे होगा सेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक का बी होगा। अब बी एफ एल के केस में क्या होगा और बी एफ टी के केस में क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पर बी एफ एंड दिस इज बी एफ, एंड ये हमारा क्या था, विड्थ ऑफ वेब बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू। इसमें यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी, रेनफोर्समेंट के सेंटर से टॉप तक, ये हमारी डी होती है। इस केस में भी हमारी ये डी होगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, पहले मोनोलिथिक के लिए इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होती है, फॉर टी बीम एंड फॉर एल बीम। बी एफ इक्वल टू एल नॉट अपॉन में बी प्लस में बी डब्ल्यू प्लस में सिक्स डी एफ। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर सिक्स आएगा, ठीक है। ये तो हमारा टी बीम के लिए हो गया, जो एल बीम के लिए होती है ना, इसकी हाफ हो जाती है वैल्यू, मतलब एल नॉट बाय सिक्स था जो हमारा, एल नॉट बाय ट्वेल्व हो जाएगा, एंड बी डब्ल्यू सेम ही रहता है, एंड जो सिक्स डी एफ था वो थ्री डी एफ हो जाएगा। तो ये तो होगी हमारी मोनोलिथिक बीम के लिए। अब सेकेंड बात करते हैं आइसोमेट्रिक बीम के लिए, आइसोलेटेड बीम के लिए। फर्स्ट इज फॉर टी बीम एंड सेकेंड इज फॉर एल बीम। बी एफ इक्वल टू एल नॉट अपॉन में बी प्लस में फोर प्लस में बी डब्ल्यू, एंड एल में इसमें भी हाफ हो जाता है हमारा, ठीक है। बी डब्ल्यू हमारा सेम रहेगा, इसकी वैल्यू हाफ होने के बाद क्या हो जाएगी हमारी, 0.5 एल नॉट अपॉन में एल नॉट अपॉन में बी प्लस में फोर प्लस में बी डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। इसको रब करते हैं, अब इसका एनालिसिस देखते हैं। इसमें तीन केस बनते हैं हमारे, पहला केस कह सकते हैं जब हमारा डी एफ इज ग्रेटर देन एक्स यू होता है, ठीक है। इससे क्या पता लगेगा, पहले केस वाइज केस चलते हैं, या तो मैं पहले आपको केसेस ही बता देती हूँ। चलो ये हमारा फर्स्ट केस होता है, और सेकंड केस होता है हमारा जब डी एफ स्मॉलर देन एक्स यू होता है, ठीक है। अब स्मॉलर देन एक्स यू होगा, इसमें भी दो केस बनेंगे हमारे, या तो जो हमारा डी एफ होगा ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू होगा। ये 3/7 एक्स यू क्या था हमारा, स्ट्रेस डायग्राम हमने बनाया था जो ये स्ट्रेट लाइन तक की डेप्थ थी वो थी 3/7 एक्स यू, देन हमारा पहला पैराबोलिक हो गया था। तो या तो ये केस होगा इसमें, या डी एफ इज स्मॉलर देन 3/7 एक्स यू और इक्वल टू, ये तीन केस बनते हैं हमारे इसमें। तो एक एक करके इसका एनालिसिस देखेंगे अभी हम, ठीक है। इसको रब करते हैं,
तो केस वन हमारा क्या बोल रहा है उसका डायग्राम देखते हैं पहले। ये मान लीजिए टीबी में हमारा, और यहाँ हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है, दिस इज दी स्मॉल डी, दिस इज ए एस टी एंड दिस इज बी डब्ल्यू एंड ये क्या है बी एफ, ठीक है, इक्वल टू भी आएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा डी एफ है डेप्थ ऑफ स्लैब, इसका स्ट्रेस डायग्राम से देखते हैं। ये बोल रहा है जब डी एफ हमारा बड़ा है एक्स यू से तो क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ पर लाई करेगी या इससे ऊपर लाई करेगी, एक्स यू वही तो डेप्थ थी हमारी, और हमने जब बीम का सिंगली रेनफोर्स बीम का हम जब डिज़ाइन कर रहे थे उसमें क्या था हमारा ऐसा कुछ स्ट्रेस डायग्राम बनता था और ये हमारी एक्स यू की वैल्यू थी, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इस केस को, डी एफ हमारा बड़ा है एक्स यू छोटा है, या तो बराबर है या तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं ये इतना ही है, ठीक है। अब ये तो इजी केस हो गया सबसे ज़्यादा हमारा। अब इससे क्या पता लग रहा है, यहाँ पे हमारा कहीं न्यूट्रल एक्सिस है और ये सारा हमारा कौन सा जोन हो गया, कंप्रेशन जोन। अभी आप देखोगे कि रेक्टेंगल बन गया है, रेक्टेंगल बीम की तरह। तो अब रेक्टेंगल बीम की तरह हो गया है तो हमारा कोड में जो इसका डिज़ाइन किया है सिंगली रेनफोर्स्ड की तरह कर दिया, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में भी तो ऐसा ही रहता, एक रेक्टेंगल ही तो था, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। स्ट्रेस इसका कितना आएगा 0.45 FCK, और यहाँ पर भी सिमिलरली हमें कॉन्क्रीट की तो कुछ करना ही नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए रेनफोर्समेंट, तो हम कितना स्ट्रेस लिखेंगे 0.87 FY, ठीक है। ये अच्छे से समझना क्या हो रहा है, सिंगली रेनफोर्स्ड की तरह इसे हम पूरा डिज़ाइन करेंगे क्योंकि हमारा न्यूट्रल एक्सिस डी एफ से कम है और ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बन गया है। कंप्रेसिव जोन के लिए बात कर रहे हैं हम क्योंकि टेंशन जोन में तो हम कॉन्क्रीट का एरिया नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतनी वैल्यू आ जाएगी और सिमिलरली इसका स्ट्रेन डायग्राम बनेगा हमारा, इसको अच्छे से ही बनाते हैं, ऐसा कुछ बनेगा और सेम इसकी भी वैल्यू रहेगी यस 0.0035। अब स्ट्रेस पता है हम इसमें टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं हमें, तो यहाँ करते हैं हम। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना आएगा पहले, स्ट्रेस मतलब यहाँ पे स्ट्रेस का एरिया इनटू में विड्थ कर रहे थे हम, तो स्ट्रेस का एरिया हमारा क्या आया था 0.36 FCK एक्स यू इंटू बी। बी क्या है यहाँ पे, बी एफ है हमारा, तो ये हमारा आ जाता है टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस फोर्स ही आ गया, मतलब बी एफ इंटू कर दिया हमने। अब बात करते हैं टोटल टेंशन फोर्स कितना आता हमारा, स्ट्रेस इंटू में एरिया। अब स्ट्रेस कितना था 0.87 FY इंटू में ए एस टी, तो ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंशन फोर्स दोनों की वैल्यू आ गई है। अब बात आती है इसमें लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म इसमें भी सेम ही होएगा, जब सिंगली रेनफोर्स्ड की तरह बन रहा है तो लीवर आर्म भी इसमें सेम आता है। और एम ओ आर कैसे निकलता है, या तो हम सी इंटू में लीवर आर्म करेंगे या फिर टी इंटू में लीवर आर्म करेंगे। सी इंटू में लीवर आर्म के लिए क्या करेंगे 0.36 FCK एक्स यू इंटू में बी एफ इंटू डी माइनस क्या था हमारा 0.42 XU। ध्यान रखना ये आई थिंक कट रहा है तो इसको नीचे लिख देते हैं, इंटू में डी माइनस 0.42 XU, ठीक है। अब टेंशन फोर्स की वजह से कितना आएगा एम ओ आर, टेंशन फोर्स कितना था हमारा 0.87 FY AST इंटू में लीवर आर्म। तो ये सबसे सिंपल केस था, सारा कुछ इसमें सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की तरह एनालिसिस करना है इसका। अब बात आती है केस सेकंड की, केस सेकंड में क्या होता है, ठीक है इसको रब करते हैं।
के सेकंड में हमारा df इज लेस देन xu। अब इसमें भी दो केस बताए थे, या तो हमारा df होगा सॉरी स्मॉलर देन और इक्वल टू 3/7 xu, और दूसरे की हम बाद में बात करते हैं, पहले इसी की बात करके चलते हैं इस केस में क्या हो रहा होगा। तो इसके लिए भी हम पहले एक टी बीम बना लेते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, न्यूट्रल एक्सिस हमारा df से बड़ा है, मतलब यहाँ का ही अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है तो हमारा स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से। ये स्ट्रेट लाइन में df से ज़्यादा क्यों लाई, क्योंकि यहाँ पे हमें बोल रखा है df इज स्मॉलर देन दिस, तो ये तो हो गया ना स्मॉलर देन, ये हमारा था 3/7 xu और ये हमारा था df, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। यह हमारा रेनफोर्समेंट है, ये bf हो गया, ओके, और दिस इज द एफेक्टिव डेप्थ। ईजी नहीं है टी सेक्शन का ना एनालिसिस करना, अब ये दो केस है ना थोड़े समझ के चलना है, इसमें थोड़ा झोल है, तो इसको देखते हैं हम। अब एक चीज़ तो देखेंगे, हमारा न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको हम अगर दो पोर्शन में बना के चले, इसको हम एक रेक्टेंगल बीम लेके चले और इन दो पोर्शन को अलग, ये हमें कोड के अकॉर्डिंगली हमें एनालिसिस किया गया है, तो इसको हम कुछ ऐसा बनाते हैं। पहला तो हम एक बीम ले लिया, इसकी विड्थ हमें पता है BW है, यह हमारा रेनफोर्समेंट है, ये हमारा डी है, तो ये तो हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड की तरह ही हो गया, बिल्कुल सेम। और सेकंड हमने लिया, ये बीच का हमने अभी ले लिया पूरा, यहाँ का बचा और यहाँ का बचा, जिसकी विड्थ, यहाँ की विड्थ कितनी होगी हमारी, ये बी एफ है टोटल, और बी डब्ल्यू हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, बी एफ माइनस में बी डब्ल्यू, तो हम इसको एक रेक्टेंगल की तरह बना सकते हैं, जिसकी डेप्थ डी एफ है और विड्थ कितनी है, बी एफ माइनस में बी डब्ल्यू। सिंप्लीफाई कर दिया ये हमने डायग्राम को, अब इन दो डायग्राम का हमारा यूज़ है। अब इस डायग्राम की हेल्प से पहले हम निकालेंगे स्ट्रेस कितना आएगा। अब इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस तो सिंगली रेनफोर्स्ड की तरह जितना आया था उतना ही आएगा, मतलब हम कह सकते हैं C1 इसकी वजह से कितना आएगा, 0.36 FC के XU इंटू में BW। BW क्यों लिया, यहाँ पे विड्थ BW दे रखी है हमें, ये तो आ गई हमारी C1 की वैल्यू। अब बात आती है C2 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वजह से भी तो कुछ स्ट्रेस आएगा, और इसकी वजह से कितना स्ट्रेस आएगा, आपको एरिया तो इसका पता ही है, ठीक है, एरिया पता है और आपको स्ट्रेस पता है, तो एरिया इंटू स्ट्रेस आप कर सकते हो। स्ट्रेस डायग्राम हम बनाते थे, उसमें क्या करते थे, यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस बनाते थे, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है हमारा और ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका स्ट्रेस हमारा इस टाइप से बनेगा, रेक्टेंगल टाइप से, ठीक है, और ये हमारी डेप्थ कितनी है, df दे रखी है, यहाँ कुछ टेंशन आएगा, तो इसको हम कह सकते हैं इसका एरिया इंटू में विड्थ हमारा निकल जाएगा C2 की वैल्यू, तो वही करते हैं हम यहाँ पे 0.45 FC के इंटू में df इंटू में विड्थ BF माइनस में BW। अब सबको ये पता, ये समझ नहीं आ रहा होगा ये रेक्टेंगल क्यों बनाया मैंने आपको, अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा जो हमारा df है, df की डेप्थ हमारी स्मॉलर देन 3/7 xu है, अब इससे कम है तो यहाँ तक हमारा स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता था, रेक्टेंगल बनता था। अब रेक्टेंगल बनता था तो हम df तक ही तो लेंगे, क्योंकि हमारा इतना ही तो बाकी बचा, तो हमारा इसलिए यहाँ पे रेक्टेंगल आता है, क्योंकि इससे ऊपर लाई कर जाता है हमारा, ठीक है, तो ये समझ के चलना है इसे ध्यान से, तो इसलिए ये रेक्टेंगल आ गया हमारा और ये C2 की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं लीवर आर्म क्या होता है, C1 के केस में हमारा लीवर आर्म तो सेम रहेगा, इसको LA1 से डिनोट कर देते हैं, D-0.42 xu। अब इस केस में लीवर आर्म क्या होगा हमारा वो देखते हैं। अब आपको पता है रेक्टेंगल का CG कहाँ पे लाई करता है, सेंटर में, सेंटर में लाई करेगा, मतलब ये हो गया हमारा df अपॉन में 2, और ये टोटल हमारा स्मॉल d था,
तो ये हमारी कितनी डेप्थ बच जाएगी, डी माइनस डी एफ अपॉन में टू। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लीवर आर्म डी माइनस डी एफ अपॉन में टू। ये दो लीवर आर्म आ गए हमारे। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको डायग्राम को हटाती हूँ मैं, और यहाँ तो आपको पता ही है कितना आएगा, टेंशन फोर्स 0.87 FYAST, इतना टेंशन फोर्स आएगा हमारा टोटल, क्योंकि वो तो सेम ही है, हमें एरिया इसका ही तो लेना है सिर्फ। ठीक है, अब इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं कितना आता है। अब जैसे मैंने आपको डब्ल्यू में बताया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स से निकालते हैं, इसमें भी कंप्रेसिव फोर्स से निकालेंगे। क्यों, रीज़न वही है, हमारा टेंशन फोर्स है 0.87 FYAST और हमारे पास लीवर आर्म दो है। यहाँ पर कौन सा लीवर आर्म लेंगे हमें नहीं पता, और इस कंप्रेसिव फोर्स भी हमारे पास दो है, लीवर आर्म भी दो है, C1 के लिए LA1 एंड C2 के लिए LA2, तो दोनों के लिए लीवर आर्म की अलग अलग वैल्यू है, तो हम इसकी हेल्प से MOR निकालते हैं इस केस में। तो हम लिख सकते हैं C1 इंटू LA1 प्लस में C2 इंटू LA2। C1 क्या था हमारा 0.36 FCK XU इंटू में BW। LA1 क्या था, D माइनस 0.42 XU प्लस में C2 हमारा क्या था 0.45 FCK इंटू DF इंटू में BF माइनस में BW। और लीवर आर्म क्या था हमारा, D माइनस में DF अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारा MOR निकल जाएगा इस केस में। अब बात आती है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, सेम ही मेथड है इसमें भी निकालने का, टू डिटरमाइन XU। क्या करते थे हम इसके लिए, टेंशन इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स, टी इक्वल टू सी, एंड टी हमारे पास एक ही है, सी टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, C1 प्लस में C2। टी कितना था हमारे पास 0.87 FYAST एंड C1 0.36 FCK XU इंटू में BW प्लस में C2 0.45 FCK DF इंटू में BF माइनस में BW। ये थोड़ा लेंथी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें XU को एक साइड रखेंगे और बाकी साइड टर्म को अनदर साइड, देन XU इक्वल टू 0.87 FYAST माइनस में 0.45 FCK DF BF माइनस में BW अपॉन में 0.36 FCK BW। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये तो हो गया हमारा केस सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब केस सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमारा DF होगा लार्जर देन 3/7 XU। ठीक है, इसको रब करती हूँ मैं। ठीक है, इस केस का भी पहले डायग्राम बना लेते हैं कैसा बनेगा। ये हमारा हो गया टी बीम, ये हमारे रेनफोर्समेंट, इट इज द इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ BF एंड दिस इज द विड्थ ऑफ वेब PW। ठीक है, AST, इसमें भी सेम वही करेंगे, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले एक तो हम रेक्टेंगल मान के चल लेते हैं इसे, ये वाला, और दो ये पार्ट अलग से, ऐसा बनेगा ये कुछ। ये विड्थ हमारी होगी BW। ठीक है, एंड प्लस में ये छोटे छोटे पोर्शंस एक रेक्टेंगल बन के आएंगे,
बी एफ माइनस में बी डब्ल्यू, ठीक है। ये हमने इस एरिया को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया। अब दोनों का स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं कैसा बनता है हमारा। ये तो हमारा रेक्टेंगल बीम ही हो गया, मान लीजिए इसमें न्यूट्रल एक्सिस हमारी यहाँ कहीं लाई कर रही है, ठीक है। अब स्ट्रेस डायग्राम पहले फर्स्ट का देखते हैं देन सेकेंड का। फर्स्ट का तो हमारा सेम वैसा ही बनेगा, टी यहाँ पे आएगा। अब इसमें एक चीज़ कह रहा है, जो हमारा डी एफ है इज़ ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू है, मतलब हमारा ये डी एफ है ये बड़ा है और स्ट्रेट लाइन कहीं इसके अंदर ही आएगी, छोटा तभी तो होएगा, ऐसा बनेगा ना। ये हमारा 3/7 एक्स यू है, मतलब स्मॉलर देन डी एफ। और इसका स्ट्रेस हमें पता है 0.45 एफ सी के, और यहाँ पे स्ट्रेस है 0.87 एफ वाई, ठीक है। अब बात आती है इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा। अब इसी को हम सीधा इतना तोड़ ले तो हमारा स्ट्रेस डायग्राम बन के आ जाएगा इसके लिए कुछ इस टाइप से, मतलब रेक्टेंगल टाइप होगा बट यहाँ से थोड़ा सा पैराबोलिक होगा कटा हुआ। अब कोड ने क्या कह रखा है, ये हमें डेप्थ पता है डी एफ है टोटल, हम इसको ना एक रेक्टेंगल मान के चलते हैं, कुछ छोटा रेक्टेंगल जो इसका सिमिलर एरिया का हो और जिसकी डेप्थ हमने मान ली है वाई एफ ओ, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए गया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आपको पता लग ही रहा होगा ये तो हमने ऐसे कैसे स्ट्रेस डायग्राम बना दिया है, यहाँ डी एफ छोटा था तो इसका डायग्राम ऐसा आएगा, मतलब इतना कट करके आप देखोगे इतना ही तो बनेगा ये हमारा। और इतना कट करने के बाद मैंने डी एफ से छोटा कोई विड्थ का एक रेक्टेंगल बना लिया जो लगभग सिमिलर एरिया का होगा। हमें वाई एफ की वैल्यू भी दे रखी है जिसकी वैल्यू हमारी एक्स यू एंड डी एफ पे डिपेंड होती है, वो देख लेते हैं कितनी है। 0.15 एक्स यू प्लस में 0.65 डी एफ है, एक बार कंफर्म भी करते इसे। ठीक है यही है इसकी वैल्यू, तो ये सिंप्लीफाई होगी हमारी। अब बात आती है हमारी C1 का, तो हमें पता है C1 की क्या वैल्यू होती है, मतलब कंप्रेसिव फोर्स बाय दिस रेक्टेंगल कितना आता है हमारा 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू में बी। अब बात आती है इस रेक्टेंगल की वजह से कितना कंप्रेसिव फोर्स आता है, सेम इसमें भी वही करेंगे हम, यहाँ हमें पता है 0.45 एफ सी के होता है, मतलब ये, ठीक है। क्या करते हैं हम कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इंटू में विड्थ, सेम इसमें भी वही करेंगे। इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड 0.45 एफ सी के इंटू में वाई एफ, एंड विड्थ क्या थी रेक्टेंगल की बी एफ माइनस में बी डब्ल्यू। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, इससे सिंपल शायद समझा सकते नहीं है इसको। तो C1 और C2 हमारा निकल जाता है और हमारा टेंशन फोर्स तो वही रहेगा टी इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू में एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। अब सेम इसमें भी जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कंप्रेसिव फोर्स से निकालते हैं, टेंशन से नहीं निकालते। इसका भी रीज़न वही है, हमारे पास दो लीवर आर्म आएंगे इस केस में, C1 के लिए और C2 के लिए, और हमें पता नहीं T के लिए कौन सा लीवर आर्म यूज़ करें। इसके लिए तो लीवर आर्म हमें पता है क्या होता है, L1 इक्वल टू डी माइनस में 0.42 एक्स यू, एंड C2 के लिए क्या होगा, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है और फोर्स हमारा कहाँ लाई करता है रेक्टेंगल में सेंटर में, और हमें टोटल डेप्थ इसकी पता थी कितनी थी डी थी, तो ये कितना बचा हमारा डी माइनस में वाई एफ अपॉन में 2, क्योंकि ये हमारा वाई एफ अपॉन में 2 पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये आ जाता हमारा C2 का लीवर आर्म डी माइनस में वाई एफ अपॉन में 2। अब बात आती है इसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना आता है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम हटाते हैं। पहले एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देखते हैं, टू डिटरमाइन एक्स यू इट इज इक्वल टू टी इक्वल टू सी टोटल कंप्रेसिव फोर्स एंड टोटल टेंशन फोर्स। टी कितना था 0.87 एफ वाई ए एस टी, एंड सी इक्वल टू C1 प्लस में C2। C1 कितना था 0.36
एफ सी के एक्स यू इंटू में बी डब्ल्यू प्लस में 0.45 एफ सी के वाई एफ बी एफ माइनस में बी डब्ल्यू। अब एक्स यू को एक साइड रखेंगे और साइड टर्म्स को अदर साइड, देन एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई एस टी माइनस में 0.45 एफ सी के वाई एफ बी एफ माइनस में बी डब्ल्यू अपॉन में 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू। ये निकल गया हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब देखते हैं एम ओ आर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंप्रेसिव फोर्स से निकलेगा सिर्फ ये, देन एम ओ आर इक्वल टू सी वन इंटू लीवर आर्म फर्स्ट एंड सी टू इंटू लीवर आर्म सेकेंड। सी वन कितना था 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू एंड लीवर आर्म क्या था डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस में सी टू कितना था हमारा 0.45 एफ सी के वाई एफ बी एफ माइनस में बी डब्ल्यू और लीवर आर्म कितना था डी माइनस वाई एफ अपॉन में टू। इतना बड़ा फॉर्मूला आएगा इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, बड़ा आएगा लेकिन सिंपल है आप अगर डायग्राम से समझ के चलोगे अच्छे से। तो कुछ नहीं है, आपने इससे प्रीवियस केस में देखा होगा वाई एफ की जगह डी एफ था हमारा और यहाँ पर हमने रेक्टेंगल की फॉर्म में इस शेप को हमने रेक्टेंगल के एरिए में कन्वर्ट करने के लिए वाई एफ ले लिया है वाई एफ की टर्म में और वाई एफ की वैल्यू मैंने आपको बताई थी डिपेंड्स ऑन एक्स यू एंड डी एफ। ठीक है, तो बस यही चेंज है इसमें और प्रीवियस वाले में, और फर्स्ट वाला तो केस था जो सिंगली रेनफोर्स्ड की तरह ही था पूरा का पूरा, उसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे ना, न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे, पहले हम यही चेक करते हैं इसमें केस कौन सा बन रहा है, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे उसमें एनालिसिस कौन सा लगेगा, प्रोसीजर क्या होगा नेक्स्ट। ठीक है, तो ये एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया फ्लैंज बीम का एंड हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल्स देखते हैं और डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का भी न्यूमेरिकल देखेंगे, उसका भी नहीं देखा अभी हमने। तो इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ गो टू द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू वेरी मच।